हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्ट एंड वर्क बाय भागीरथी। आज जो मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा दैट इज वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसके लिए जो मैंने कॉन्सेप्ट लिया है वो मैंने G20 का कॉन्सेप्ट लिया है। सबसे पहले जो मीडियम साइज की प्लेट है आपके घर में, उससे आप एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। यू कैन यूज कंपास ऑल्सो। इसके बाद आप सेंटर में एक पेटल ड्रॉ करेंगे। देखिए किस तरह से मैंने पेटल ड्रॉ करी है। उसके साइड में भी हम पेटल्स का लुक देंगे, देखिए। देन उसके बाद मैंने लिखना है यहाँ पर G20। तो अगर आप इस तरीके से नहीं लिख सकते तो पहले आप सिंपल G और 20 लिखिए, फिर उसको आप ओवरलैप करते हुए आप कर सकते हो, या फिर आप किसी बड़े की भी हेल्प ले सकते हो। जब आपकी G20 कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आप नीचे के जो पेटल्स है उसको आप कंप्लीट कर देंगे। देखिए ड्राइंग की बात मैं करूं तो अगर आपकी ड्राइंग अच्छी होगी तो आपकी पिक्चर ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी। तो सबसे मेन जो वर्क करना होता है ड्राइंग में, आपका ड्राइंग की जो फिगर है क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इजीली हर चीज आप बना सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर एक बॉय बनाया है, ह्यूमन फिगर मैंने दिया हुआ है। सिंपल बेसिक ड्राइंग्स है, आप वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके भी बना सकते हैं। जैसे जैसे अब मैं बना रही हूँ, आप उसको पॉज करके, अगर आपसे आप जल्दी नहीं ड्रॉ कर पा रहे तो आप उसको पॉज कर लीजिए, फिर आप बनाइए, फिर आप आगे बढ़ाइए इस वीडियो को। इसके बाद मैंने यहाँ पर स्केल की हेल्प से लेडर ड्रॉ किया है। ये देखिए, अब दूसरी साइड में मैंने अगेन सेम फिगर ली है, लेकिन इस फिगर में मैं बॉय नहीं बना रही हूँ, अब मैं बना रही हूँ एक गर्ल, और गर्ल के हाथ में मैंने एक कपड़ा दिया है जो कि वो डस्ट कर रही है, क्लीन कर रही है अर्थ को। बॉय के हैंड में मैंने बैंडेज दी थी और गर्ल के हैंड में मैंने दी है एक क्लोथ जो कि क्लीनिंग कर रही है। अगेन मैंने स्टेज ड्रॉ करा है। ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद बात आती है कलरिंग की, तो कलरिंग के लिए आई एम यूजिंग वाटर कलर। वाटर कलर के साथ मैं मार्कर पेन भी यूज करूंगी, मैं सिर्फ वाटर कलर के साथ ही प्ले नहीं करूंगी। जो भी कलर्स आपके घर में हैं आप उनका यूज कर सकते हैं। और ये देखिए थोड़ा सा मैंने पेंसिल से अगेन जो अर्थ का जो लुक है वो मैंने प्रॉपर दे दिया है। सबसे पहले मैं ले रही हूँ ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर। हम डार्क ब्लू डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते फॉर द वाटर के लिए, तो हमने व्हाइट एंड ब्लू शेड को, जो आपका लाइट ब्लू कलर शेड जो आपके कलर पैलेट में है उसका यूज करना है। उसको मिक्स करके आप लाइटेस्ट ब्लू कलर बनाएंगे पहले, एंड देन यू विल अप्लाई ऑन अर्थ। ध्यान रखिएगा जो भी आप कलरिंग करें लाइन टू लाइन आप करें, सो दैट आपके कलर्स के पैचेस ना आए। देखिए ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, और अब मैं ले रही हूँ ग्रीन कलर। ग्रीन में मैंने भी लाइट शेड लिया हुआ है और जस्ट डैबिंग फॉर्म में मैंने कलरिंग किया हुआ है। मैं अपने पूरे जहाँ पर मैंने पैचेस बनाए थे वहाँ पर मैं ग्रीन कलर करूँगी। इसके बाद मैं ले रही हूँ ऑरेंज शेड जी के जो ऊपर का जो कंसेप्ट है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आई एम रिप्रेजेंटिंग G20, तो मैं G20 में ही ऑरेंज का हाफ ऑफ शेड में यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज मैं इंडियन फ्लैग का लुक देना चाहती हूँ, जो हमारी फ्लैग है उसका शेड देना चाहती हूँ। तो आई विल यूज दैट ट्राई कलर जो कि फ्लैग इंडियन फ्लैग के अंदर होते हैं। और यही सेम मैंने फ्लावर में भी किया है। आप एक चीज नोट कर सकते हैं, मैंने अभी एक कलर लिया तो उसी कलर का यूज मैंने सब में किया है। अब मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ, और ग्रीन कलर भी मैं ऐसे ही करूँगी जैसे मैंने ऑरेंज कलर किया है। इससे क्या होता है हमारे कलर जो है सेफ रहते हैं, वेस्ट नहीं होते। अब मेरा जो ग्रीन कलर है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। ये आप देख सकते हैं,
जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं सिर्फ एक कलर से प्ले नहीं कर रही हूँ, तो मैंने ये स्केच पेन्स ले लिए हैं। बॉय की शर्ट के लिए मैंने यह ब्लू कलर का स्केच पेन यूज़ किया हुआ है। उसकी पैंट में भी मैं स्केच पेन ही करूँगी। आपके पास जो कलर्स हैं आप वो कलर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, एक आर्टिस्ट की क्वालिटी होती है कि जो भी उनके पास मटेरियल होता है वो उन्हीं के यूज़ से चीज़ें बनाते हैं, और चाहे आर्टिस्ट छोटा हो चाहे बड़ा हो, आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट है, क्योंकि वो अपना माइंड यूज़ कर रहा है, किस तरह से पिक्चर को ब्यूटीफाई कर रहा है, वो चीज़ मैटर करती है। ये मैंने स्किन कलर के लिए मैंने रंगीला कलर्स यूज़ करे हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको, अगर आपको परचेज करना हो कोई भी मटेरियल तो आप डिस्क्रिप्शन से ही परचेज कर सकते हैं। ये मेरा मड कंप्लीट हो गया है। नाउ आई एम टेकिंग स्केल एंड ब्लैक कलर मार्कर, और उससे मैंने बना है लेटर। दोनों साइड में बनाऊंगी। और नीचे मैंने थोड़ा सा शेड देने के लिए सिर्फ मार्कर से थोड़ी लाइंस दी है। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है मेरी फिगर, लेकिन मुझे अभी से आउटलाइन भी करनी है। लेकिन आउटलाइन से पहले मैंने ग्रीन कलर का स्केच पेन लिया है और मैंने उस पर ऐसी लाइंस दी है, बिकॉज आई वांट टू शो सम प्लांट्स, जैसे मरी प्लांट्स होती है, इस तरीके से मुझे लाइंस देनी है। एंड मैं उसमें लीव ड्रॉ करूँगी, पतली पतली लीव्स। पहले लाइन ड्रॉ करी, फिर मैंने लीव ड्रॉ करी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा एक प्लांट का लुक दे रहा है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके बाद मैं अपने मार्कर्स लूँगी, परमानेंट एंड बोल्ड मार्कर्स। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, और आउटलाइन करूँगी। आउटलाइन करने के बाद यहाँ पर मैंने टू लाइंस का स्पेस दिया हुआ है। लाइन का स्पेस मैंने हेडिंग के लिए दिया हुआ है, और जैसे बैकग्राउंड अभी ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो यहाँ के लिए मैं स्केच पेन और लाइंस से मैं बैकग्राउंड को दूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ स्लांटिंग लाइन बना दी है। ये एक तरफ की मेरी लाइन कंप्लीट हो गई है। अब मैं दूसरी लाइंस ड्रॉ करूंगी। तो मैं, मुझे जो बैकग्राउंड देना है वो चेक लुक देना है। ये मेरी कंप्लीट हो गई है, और मैंने हेडिंग भी लिख दी है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये देख सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ सजेशन है, तो आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पे सेंड कर सकते हैं। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और मुझे ऐसे ही मैसेज करते रहिएगा। अगर आपको कोई न्यू आइडियाज़ चाहिए पोस्टर के, तो ज़रूर मुझे मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।